प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी ये जो सेटअप थोड़ा सा बदल रहा है दिस इज ड्यू टू माई फर्स्ट हाउस मैं वहाँ पे हूँ कुछ दिन चली जाऊंगी मैं सेकेंड हाउस में बट कुछ दिन मैं यहाँ पे हूँ सो so, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा बट दिस इज डिफिनिटली टेर और सेक्स ओनली सो लेट सी ओके सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऐसा क्या आने वाला है ऐसा क्या होने वाला है यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें प्लीज गाइड करें यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स थोड़ा सा वक्त दे दे इही, सी 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 दिस इज स्ट्रेंज आई कैन फील लाइक इट इज लाइक सम लैंटर्न विच इज हैंगिंग मतलब कुछ तो है जो मतलब जैसे होता है ना रोशनी या ये एक डक भी हो सकता है या स्वान भी हो सकता है मतलब कुछ चीजे है जो रिलेटेड टू लाइट है ओके सो मे बी वेरी वाइट इन कलर कुछ ऑब्जेक्ट है आपके आसपास. ओ वाओ दिस इज अमेजिंग गाइस यहाँ पे सिक्सटी नाइन या नाइन्टी सिक्स मुझे हंड्रेड परसेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक दिया आ रहा है देखो यहाँ पे एक दिया आ रहा है सो so, मैंने आपको यही कहा है जो आपकी जिंदगी में आने वाला है नाउ इट इज बिकमिंग पंपकिन सो so बेसिकली जो भी आने वाला है जैसा भी होने वाला है इट विल बी हाईली न्यूट्रिशियस फॉर यू काफ़ी पोषणदायक होगा काफ़ी कुछ उसके साथ जो आपके लिए लेके आने वाला है वो है खुशी की वार्ता कहीं ना कहीं पे वो मैसेजेस जिसको सुनने के लिए आप बेकरार होते जा रहे हो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक like, आप अपने ट्रू आइडेंटिटी को वापस आपको मिल रहा है कुछ समय से हो सकता है कि आप इतना प्रेशराइज हो आपको घर का भी काम करना पड़ रहा है पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड करना पड़ रहा है मे बी यू हैव चिल्ड्रेन तो उनके लिए मैं वही बात बोल रही हूँ आपको हो सकता है कि घर का काम भी दिया जा रहा है बाहर का काम भी दिया जा रहा है तो आप मैनेज करने में काफी मुश्किल होता होगा लेकिन जो भी है इट्स लाइक यू नो वट बेसिकली यू विल देखो यहाँ पे द सन एंड द मून लाइक सो यू विल लूज मतलब लाइक ऑल द मतलब प्रेशर्स थोड़ा सा बर्डन जो है वो कम होंगे आपके ऊपर एंड डेफिनेटली आपका एक नया पहचान बनेगा आपका एक नया कुछ जैसा होता है ना कि सब लोग बोलेंगे कि ये इंसान जो है काफ़ी काबिल है काफ़ी ज़्यादा ये लायक है कुछ लोगों के लिए गेंद रिकोगशन नेम फाइनेंस आपके ऊपर आ रहा है हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए ताकि आप प्लान करें स्ट्रेटेजी बनाए लोगों को सिखाए पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर लेकिन मैं आपको बोल रही हूं कि आप पूरी इस तरह से जिम्मेदारी को निभाएंगे और डेफिनेटली जो है जैसा भी है उसको मैनेज कर लेंगे मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस मैनेजिंग पीपल मैनेजिंग द यू कैन से कस्टमर्स ऑल द थिंग्स टू दैट कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर एडिशनल बर्डन इसी तरह से आ रहा है कि हो जाता है कि आपकी नई शादी हुई है तो घर ससुराल भी आपको मेनटेन करना पड़ता है एंड डेफिनेटली आगे जाके काम भी आपको करना है सो so आपको थोड़ा सा डर लग रहा है एजिटेशन हो रहा है कि आपके जो घर वाले है वो कितना हद तक कि इस सबको चीज परमिशन देंगे या अलाउ करेंगे या फ्यूचर में जब आपके बच्चे होंगे तो क्या होगा सो यू आर इन अ लोड लाइक जितना आपका एक्चुअल लोड नहीं है उतना मेंटल लोड आपका ज्यादा बढ़ रहा है आने वाले समय में वो सारे लोड लाइटन होंगे हल्का हो जाएंगे बिकॉज धीरे धीरे आप हर एक सिचुएशन से एडजस्ट ही कर लोगे क्यों नहीं कर पाओगे आप मैं तो यहां पे देख पा रही हूँ यू आर क्वाइट एडजस्टिंग बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा जॉब आपके लिए आ रहा है जहां पे हो सकता है कि एक साल आपको इस जगह पे रहना पड़े दूसरे ही साल आपको दूसरी जगह पर रहना पड़े बट यू विल एन्जॉय स्कॉर्पियो टॉरस एक्वेरियस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी वे सारे साइंस के लिए फिर भी मैंने कहा सॉरी यहाँ पे कुछ लोग आपके साथ इतना डुप्लीसिटी खेल रहे हैं आगे जाके आप खुद ही उसको आइडेंटिफाई कर लोगे सॉरी <coughs> इतना डुप्लिसिटी करने का जरूरत भी नहीं है फिर भी वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे ना आगे जाके भी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा मतलब आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो और भी मैं देख लेती हूँ यहाँ पे आई कैन सी लाइक इट्स अ टेडी आप खुद ही देखो दिस इज अ टेडी विच इज वेसिकली लवेबल एंजॉयबल मौके या बोल सकते हैं कि माहौल आपके लिए तैयार होगा जहां पे यू विल रिसीव एंड प्लेजर जहां पे एप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको मतलब लोग एप्रिसिएट करेंगे बट जब अप्रिसिएशन करते खाली हाथ तो वो करते नहीं है तो गिफ्ट के माध्यम से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे टेडीज बहुत सारे चॉकलेट बॉक्सेस टू बी यू कैन से दैट अनबॉक्स कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस आपके लिए होगा कमेंट सेक्शन में हो सकता है hmm. किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया पे इस तरह से दिखाई दे रहा है लाइक सम वन इज होल्डिंग एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो लाइक इट इज गोइंग टू बी फाइन जैसे लोग आ, कुछ भी मेडल्स मिले या अवार्ड मिले कहीं कह ना कहीं दे आर लाइक वेरी सेटिस्फाइड ठीक है मैंने काम किया उसका मुझे ऑब्वियसली uh, सब लोग रेसिप्रोकेट कर रहे हैं मेरे साथ ऑब्वियसली जो है मान रहे हैं उस चीज को जो मैं वो सहमत हो रहे हैं मेरे आइडिया से तो ये भी बहुत बड़ा एक काम ही होता है जहाँ पे आपके फेलो वर्कर्स आपके कलीग्स आपके साथी सब लोग एग्री करते हैं डिफर करने से क्या होगा आपको और स्ट्रगल या मेहनत करना पड़ेगा उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में यू विल रिसीव दैट टाइमली कोऑपरेशन वो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं सर या मैम वी विल डू इट डोंट वरी सो इफ यू आर हैंडलिंग आर टीम इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट अभी अभी जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं नो वट रिगार्डिंग सम फॉर सम ऑफ इट इज रिगार्डिंग फाइनेंसिस ओके धीरे धीरे बिल्डअप होगा आपके फाइनेंस ठीक है आपका एसेट्स बढ़ेगा आने वाले समय में बट आपका खर्चा भी बढ़ेगा बट एसेट्स फिर भी आप बना लोगे ओके तीन डिरेक्शन से जैसा कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है तीनों तीन डिरेक्शन से आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम थ्री डिरेक्शन इधर तो ये आपके सोलमेट हो सकता है या कोई और हो सकता है समथिंग इज देयर ओके सो नाउ वी विल गो एंड जस्ट चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स कार्ड से हम देख लेते हैं एनिवर्स फिर गाइस प्लीज गाइड करे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या आने वाला है क्या आ सकता है प्लीज बताए यूनिवर्स वी डू हैव द टू वैन मैंने आपको ये कहा था कि आपको ट्रैवल करेंगे आप एक्सप्लोर करेंगे आप बहुत सारे जगह के कल्चर को देखेंगे आपका एक जगह पे रहना होगा फिर दूसरा साल दूसरा जगह पे रहना होगा लवर्स मेन मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्लेजर एंजॉय करने वाले हैं काफी ज्यादा सेक्शुअल इंटीमेसी प्लेजर ये सारे देखो वर्ल्ड ऑब्वियसली आपके हेल्थ फैक्टर्स आपकी जो नाजुक हालत है कुछ लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम सुलझ जाएगा दबियसली नेगेटिव चीजों की वजह से आप ओपन अप नहीं हो पा रहे थे बहुत सारा प्रॉब्लम सबको हो रहा था कि मतलब आप खुल के दिल की बातें जो है ना खुल के किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं शेयर कर दूंगा या शेयर कर दूंगी तो ये फायदा उठाएगा या फायदा उठाएगी मैं आप किसी के लिए भी ओपन नहीं हो पा रहे थे रिलेशनशिप के लिए क्योंकि ऑलरेडी आप ये रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके थे बट अगेन यू विल फाइंड द लव इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है ओके okay. यहाँ पे आ रहा है स्ट्रेंथ कार्ड और यहाँ पे आ रहा है द टावर कार्ड सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपकी हिम्मत जो है आगे भी बढ़ेगा ऐसा ही होगा और वो डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ को कैसे ले एज अ टफ सिचुएशन ले एज अ अनकंफर्टेबल सिचुएशन ले या सीखने का लर्निंग ले ठीक है तो आपकी ग्रोथ सबसे ज्यादा निर्भर करेगा दो चीजों के ऊपर हाउ डू यू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन लेकिन आपकी हिम्मत चाहे वो मेंटल mental, मेंटली हो फिजिकली हो स्पिरिचुअली हो यू कैन से लाइक दैट कि आप उस चीज को कर दिखाएंगे एंड न्यू एवेन्यूज को सर्च करेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट डेज रीडिंग आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब thank you so much for being with me love you a lot take care of yourself and